नमस्कार, न्यूज स्टार के खास कार्यक्रम मंडी के गुनेगार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरव कुमार। सरकार भले ही किसानों के लिए लाख हितकारी योजनाएं निकाल ले, लेकिन जमीनी स्तर पर जुड़े भ्रष्टाचारियों के चलते गरीब किसान कभी भी राहत की सांस नहीं ले सकता। कमर तोड़ मेहनत और कर्ज में डूबने के बाद खेतिहर किसान अपनी फसल मंडी लेकर पहुंचता है और यहां से शुरू हो जाता है उगाही का धंधा, जिसे अपनी ही फसल की तुलाई और बारदाना के लिए किसान को पैसे चुकाने होते हैं, जबकि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को निःशुल्क और ऑनलाइन कर चुकी है। लेकिन मंडी में अनाज देना है तो पैसे देने ही होंगे, फिर चाहे सीएम का आदेश हो या पीएम का। जी हाँ, यह 100% सच है। मामला है जबलपुर की शहपुरा कृषि उपज मंडी का, जहां समिति के कर्मचारी बेखौफ होकर किसानों से तुलाई के नाम पर 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। किसानों की समस्या को देख न्यूज स्टार ने ग्राउंड जीरो से इस पूरे मसले का जायजा लिया और दोषियों को छुपे कैमरे में कैद किया, जहां तुलाई केंद्र में अवैध पैसे लेते हुए कर्मचारी युवक रौनक छुपे कैमरे में कैद हो गया। मंडी के उपार्जन केंद्र में धान खरीदी सत्र की शुरुआत होते ही समिति के सदस्यों की मानो चांदी सी हो जाती है। दूर दूर से किसान समर्थन मूल्य में अपना अनाज बेचने मंडी पहुंचते हैं, लेकिन अनाज को बेचना उन्हें फसल उगाने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ अगर दलालों की बात ना मानी तो हफ्तों अनाज पड़ा रह जाता है, जिसकी एंट्री तक नहीं होती, और अगर नेतागिरी दिखाई तो समझो पूरा काम ठप। यही कारण है कि किसान चुपचाप पैसे देकर तुलाई करवा लेता है और मुसीबतों से फंसने से बच जाता है। जब न्यूज स्टार ने किसानों से बात की तो पता चला ये लंबे समय से चला आ रहा है और इसका विरोध करना किसानों के वश में नहीं, क्योंकि अगर विरोध किया तो अनाज पड़ा रह जाएगा और दोबारा भी मंडी में आना है। लेकिन हमारे सवालों का दबे स्वर में जवाब देते हुए किसानों ने जरूर कहा कि पैसे लिए जा रहे हैं। आप यहाँ कब से आए हैं अनाज? हम यहाँ सुबह 6:30 आ गए थे। अच्छा। अंदर लेकिन 7:30 पड़ी है। हाँ, क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं तो जा है कि पहली बात तो ये है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। ना कोई गवर्नमेंट से कोई सुरक्षा है, वाहन है जिनके नंबर है वो नंबर से वाहन आ रहे बड़ा पीछे हैं, जिनके 29 नंबर 28 में बाहर टाड़े और जिनके चाहे 104-105 नंबर भी अंदर तुलाई भी पहुँचे। अच्छा, जो यहाँ पर पैसा लिए जा रहा है वो किस बात के लिए जा रहा है? अब इस पैसे लिए जा रहे हैं तुलाई के लिए, ले रहे 4 रुपए कट्टी तुलाई के ले रहे हैं। हाँ। मतलब क्विंटल पे कितना ले? 20 रुपए क्विंटल पर रहा हूँ सब टोटल। नंबर से भी नहीं चल रहा? पुलिस वाले होना चाहिए यहाँ पर थोड़ी बहुत सुख रोटी के लिए। हम लोग जो किसान है सब परेशान है, त्राही त्राही हमें हमारे लड़ा हुए। यहाँ पर पैसे की मांग करते हैं क्या? नहीं, ये नहीं है। पैसे की कोई मांग नहीं। ये जो 20 रुपए लग रहा है ये किस बात? कहाँ पे लग रहा है? पैसे की मांग चल रही है। 20 रुपए देते ना क्विंटल के हिसाब से? हाँ, 20 रुपए तो भाई तो लाई वो 20 रुपए क्विंटल, 13 रुपए मतलब मैं कट्टी के हिसाब से और 20 रुपए हाँ कांटे के बाद में 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से। क्या नाम आपका? हम गोपाल सिंह लोधी लिखते हैं। कहाँ से आए? बेलखेड़ी से। कब से मतलब खड़े हुए हैं? हम 2 दिन से। न्यूज स्टार का आज का सवाल, धान उपार्जन केंद्र में रोजाना हजारों टन अनाज आ रहा है, 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तुलाई की घूस पूरी। अब सवाल यह उठता है कि यदि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है तो किसानों से किस बात का पैसा लिया जा रहा है? कैमरे में कैद युवक तो मात्र मोहरा है जो बड़े अधिकारियों तक रकम पहुँचाता है, इतने बड़े स्तर का भ्रष्टाचार जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखता?